प्रश्न, उस आदमी के बारे में आपके क्या विचार हैं जो रमजान में अधिक मात्रा में अनेक प्रकार के खाने और मिठाइयां खाता है? उत्तर, हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। अपव्यय और फजूल खर्ची करना हर चीज में घृणित और निषिद्ध है, विशेषकर खाने और पीने में। अल्लाह ताला का फरमान है, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, खाओ पियो और फिजूल खर्ची ना करो, बेशक अल्लाह ताला फिजूल खर्ची करने वालों से मोहब्बत नहीं करता है। तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आदमी ने पेट से बुरा बर्तन कोई नहीं भरा। इब्ने आदम के लिए कुछ लुकमे काफी हैं जो उसकी पीठ को सीधी रखें, यदि आवश्यक ही है तो एक तिहाई उसके खाने के लिए, एक तिहाई उसके पानी पीने के लिए और एक तिहाई उसके सांस लेने के लिए होना चाहिए। इसे तिर्मिजी हदीस संख्या 2380 और इब्ने माजा हदीस संख्या 3349 ने रिवायत किया है, तथा अल्बानी ने सही तिर्मिजी हदीस संख्या 1939 में इसे सही कहा है। खाने और पीने में अपव्यय करने में बहुत सी खराबियां हैं। उन्हीं में से एक यह है कि मनुष्य दुनिया में जितना ही पवित्र और हलाल चीज़ों का आनंद लेता है, पर लोक में उसका उतना हिस्सा कम हो जाता है। हाकिम ने अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने कहा, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में सबसे अधिक शिकम शेर उदर पूर्ण रहने वाले लोग क़्यामत के दिन सबसे अधिक भूखे होंगे। और इब्ने अबी दुनिया ने इसे रिवायत करके इतनी वृद्धि की है कि चुनांचे अबू जुहैफा ने पेट भर खाना नहीं खाया, यहाँ तक कि दुनिया से चल बसे। अल्बानी ने इसे असिलसिला सही हदीस संख्या 342 में सही कहा है। तथा उमर रजी अल्लाह अनु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, यदि मैं चाहूँ तो तुम में सबसे अधिक नरम कपड़े पहनने वाला, तुम में सबसे अच्छा खाना खाने वाला, तुम में सबसे अधिक मनोरम आजीविका वाला होता, किंतु मैंने अल्लाह सर्वशक्तिमान को सुना है कि उसने एक जाति की उनके एक किर्त पर निंदा की है। अल्लाह ने फरमाया, अذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون। अर्थात कहा जाएगा कि तुम अपनी अच्छी चीजों के दुनिया के जीवन ही में आनंद ले चुके और उनसे भरपूर लाभ उठा चुके, तो आज तुम्हें अपमान के अजाब का दंड दिया जाएगा, इस वजह से कि तुम धरती पर नाहक घमंड किया करते थे और इस वजह से भी कि तुम आदेश का पालन नहीं करते थे। उन्हीं में से एक यह है कि इसके कारण मनुष्य बहुत सी नेकियों के करने से गाफिल हो जाता है, जैसे कुरान की तिलावत, जो कि इस महीने में मुसलमान का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय होना चाहिए, जैसा कि पूर्वजों की आदत थी। चुनांचे हम देखते हैं कि औरत दिन का एक बड़ा हिस्सा खाना तैयार करने में और रात का एक बड़ा भाग मिठाइयां और शरबत बनाने में गुजार देती हैं। उन्हीं में से एक यह है कि मनुष्य जब अधिक खाना खाता है तो उसे आलस्य घेर लेती है और वह अधिक सोता है, इस तरह वह अपने समय को नष्ट कर देता है। सुफियान थौरी रहिमहुल्लाह ने फरमाया, यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे और आपकी नींद कम हो जाए तो आप खाना कम कर दें। उन्हीं में से एक यह है कि बहुत अधिक खाना दिल को गाफिल बना देता है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह से कहा गया, क्या आदमी अपने दिल में विनम्रता महसूस करता है जब उसका पेट भरा हुआ हो? उन्होंने कहा, मैं नहीं समझता, अर्थात मैं नहीं समझता कि ऐसा होता है।